एटीएच न्यूज 11 और आज गढ़वा जिले के जला गांव में आए हुए हैं। यहां जनता की समस्या है, जनता के आवाज को बुलंद करने के लिए हम जनता के बीच आए हुए हैं। यहां की समस्या क्या है, आइए इनसे हम जानते हैं। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम लाल बहादुर चौधरी हुआ। यहां का समस्या क्या है? समस्या यह है कि 28 तारीख की रात में बारिश हो रही थी, उसी दरमियान तड़क गरज हो रहा था। तड़क गरज होने के दरमियान वज्रपात इस ट्रांसफार्मर के ऊपर हो गया और इससे लगभग 100 घर के सप्लाई होता था वो बाधित पड़ गया, बिजली लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कौन 28 तारीख को इस पर वज्रपात हुआ? ये 28/9/2022 को 28/9/2022 को वज्रपात हुआ। इस ट्रांसफार्मर से कितने लोग जलाते थे बिजली? लगभग 100 घर। अब 100 घर तो आज के डेट में अंधेरा होगा, अंधेरा में है। तो आप इस विषय पर आवेदन या किसी को फोन के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से सूचना दिए? हाँ, सूचना दिए हैं। जे आई साहब को हम फोन लगाए थे, विभाग में फोन लगाए थे जे आई साहब पास। वो अपने असर से एक मिस्त्री को भेजे थे, मिस्त्री बोले कि अब ट्रांसफार्मर बनने योग्य नहीं है, इसके लिए नया चाहिए। तो लिखित आवेदन मांग रहे थे, हम लोग इधर व्यवस्था के कारण नहीं दे पाए, लेकिन दुर्गा पूजा बाद हम लोग आवेदन देंगे। कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि आइए तो स्थान मतलब किस हालात में है। यही ट्रांसफार्मर से करीब 100 लोग के घर में रोशनी जाती थी और लोग उजाले में रहते थे, लेकिन आज के डेट में इस ट्रांसफार्मर बिना काम का हो गया है और आज के डेट में लोग अंधेरा में शायद रहते हैं। आइए यहीं पर गार्जियन से पूछते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम राजकुमार चौधरी है। ये बताइए कि यहाँ पर तो बिजली नहीं है, लेकिन आज बिजली नहीं के होने के कारण रात में लोग कैसे करते हैं, अंधेरा में कैसे रहते हैं? वो अपना दीप बत्ती जला कर रहते हैं और क्या, मतलब और कोई व्यवस्था नहीं है। तो आज तो सरकार के यहाँ समिति तेल जो मिलता था डीलर के यहाँ अभी बंद पड़ा हुआ है, तो किस तरह का बत्ती जलाते हैं? सोलर लाइट चलाते हैं, ऐसा बोल लिया जाता है।